कैसे आप देख रहे हैं JD एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है। आज हमारा भूगोल यानी कक्षा छः के भूगोल में तीसरा लेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा सौरमंडल। क्या पढ़ रहे हैं? हमारा सौरमंडल। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे सौरमंडल में क्या है, ग्रह किसे कहते हैं, नक्षत्र किसे कहते हैं और सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं, वो अपनी परिक्रमा कितने दिन में करते हैं, अपने अक्ष पर करते हैं और पृथ्वी के सापेक्ष और सूर्य के सापेक्ष कितना करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को देखा। आज हम देखेंगे कि पुच्छल तारे, क्या देखना हमें कि पुच्छल तारे किसे कहते हैं। पुच्छल तारे को अंग्रेजी में कहते हैं कोमेट्स। क्या कहते हैं? कोमेट्स कहते हैं पुच्छल तारे। हम आप जानते हैं कि पुच्छल तारे का मतलब होता है कोई चीज़ आकाश में हमें चमकती हुई दिखाई देती है, तो उसकी पूंछ जो होती है वो चमकती हुई दिखाई देती है और ऊपर का भाग जो दिखाई देता है, ये क्या होते हैं? चट्टानों, धूल कणों तथा अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं जो पुच्छल तारे के रूप में हो जाते हैं। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, जो पुच्छल तारे होते हैं अथवा धूमकेतु होते हैं, वो चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। ये पिंड क्या करते हैं? ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए, जब ये अपनी कक्षा में घूमते हैं तो ये सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? सूर्य के पास आ जाते हैं। तो इनके सूर्य के पास आने के कारण क्या होता है? ये सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? वाष्प में बदल जाती है। वाष्प में बदल जाने के बाद यही वाष्प मुख पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। जो निकल जाती है तो वो क्या होता है? चमकता रहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या लिखा है? गुरुत्वाकर्षण। हम आप जानते हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण होगा तो उसमें आकर्षण होगा, तो इन तारों के सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है। पूंछ क्या होगी? हमेशा बाहर की तरफ होगी, जो हमें चमकती दिखाई देती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारे कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारे कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एक चित्र बनाया हुआ है कि ये एक चित्र बना हुआ है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये पुच्छल तारा है जो ऐसे टकरा करके इसके बीच में आता है और जो ये दिखाई देता है ये पूंछ का रूप होता है। इस प्रकार से ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो पुच्छल तारे के रूप में दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आता है कुएपर मेखला है। कुएपर मेखला का मतलब होता है कुएपर बेल्ट। ये क्या होता है? ये नेपच्यून यानी कि वरुण के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी। डिस्क हम जानते हैं, जो तस्तरी होती है उसी को डिस्क कहते हैं। उस प्रकार से आकार क्या होती है? ये विशाल पट्टी होती है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। असंख्य क्यों कहा गया? असंख्य खगोलीय पिंड का मतलब होता है इसमें विशेष प्रकार के असंख्य यानी कि विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, जिनके कई बर्फ से बने होते हैं। यानी कि ये जो बने होते हैं असंख्य खगोलीय पिंड, इनमें क्या होता है? कई बर्फ के बने होते हैं। इस प्रकार से धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि जो धूमकेतु होता है वो इसी क्षेत्र में आता है। फिर इसके बाद आता है खगोलविदों के अनुसार, यानी कि जो खगोलविद होते हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं, यानी कि कई ग्रह आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। और फिर इसे कहा जाता है प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। फिर इसके बाद आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ईयर्स। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जो एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर देखते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या? या दूरी मापने का एक इकाई है, या दूरी मापने की एक इकाई है। फिर पेपर में अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी आप देखिए कंपटीशन के पेपरों में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? या दूरी मापने की एक इकाई है। दूसरा आता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में चली गई दूरी क्या हो गया? प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 खरब यानी कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। फिर इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करते हैं, आकाशगंगा का आकार करते हैं
और आकाश गंगाओं के मध्य दूरी आदि को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, आदि को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं हमारी आकाश गंगा, क्या लिखा है, हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि गर प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचने में कम से कम कितने वर्ष लगेंगे, 1,00,000 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं, 1,00,000 वर्ष लगते हैं। कहा गया है कि हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति, हम आकाश गंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगभग कितना लगता है, 1,00,000 वर्ष लगता है। कितना, 1,00,000 वर्ष। क्या है तो ब्रह्मांड जिसे कहते हैं यूनिवर्सल, ब्रह्मांड मतलब होता है जो पृथ्वी से हम ऊपरी भाग देखते हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड अनंत काल तक यानी कि अनंत दूरी तक है, इसका कोई ओर छोर नहीं है। कहा गया है कि ब्रह्मांड जो होता है ऊपर के तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग है जो यह करोड़ों तारों, कितने करोड़ों तारों का समूह है, इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। इस पट्टी क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और इसका नाम है मंदाकिनी, और इसको क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। और मंदाकिनी के बाद आता है जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, यानी कि जो भाग हम देखते हैं वो पृथ्वी से दिखाई देता है, उसे मिल्की वे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। इसके बाद आता है इसका आकार, इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार का मतलब होता है जो घुमावदार बनता चला जाए, इसे क्या कहते हैं, सर्पिलाकार, या स्पायरल डिस्क जैसा होता है। इसमें लगभग 1,00,000 तारे हैं, कितने हैं, लगभग 1,00,000 तारे हैं, लगभग 1,00,000 तारे हैं। और यह हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है, यानी कि जो हमारा सौरमंडल है जिसमें हम सौरमंडल में क्या है 8 ग्रह पड़ते हैं, इन 8 ग्रहों के आकाशगंगा का एक भाग है। यानी कि इस तरह के आकाशगंगा कई हैं, हो सकते हैं इस प्रकार से आकाशगंगा कई हो सकते हैं, और लेकिन जो हमारा सौरमंडल है इसी आकाशगंगा का एक भाग है। करोड़ों आकाशगंगाएं, यानी क्या लिखा गया, करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर के, करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसके निर्माण में कई आकाशगंगाएं मिली हुई हैं। इसके बाद आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैग, यानी कि जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज के स्वरूप में कैसे आया, यानी कि जो स्वरूप आज दिखाई दे रहा है पहले ऐसा नहीं था। इस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैग कहा जाता है कि लगभग 13 अरब वर्ष पहले, यानी कि लगभग 13 वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या था, एक गर्म और सघन छोटे से गोले का एक रूप था, यानी कि जो सघन गोला था और कैसा गर्म, कैसा था, गर्म था, उस गर्म के कारण ये छोटे गोले के रूप में था। तो छोटे गोले के रूप में था, सघन था, गर्म था, तो आप हम जानते हैं कि जैसे आप गुब्बारा देखें उसको गर्म किया जाए तो गर्म करने के बाद क्या होता है, फूट जाता है, फूटने के बाद क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। इसी प्रकार से इसमें अचानक गर्मी व सघनता के कारण विस्फोट हुआ, यानी यह कल्पना किया जाता है कि ऐसा रहा होगा कि गर्म रहा होगा, सघन रहा होगा, और इसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ होगा और ये चारों तरफ फैल गया, और इसके फैलने के बाद इस विस्फोट को बिग बैग कहा जाता है। इस विस्फोट को क्या कहते हैं, बिग बैग कहा जाता है। और विस्फोट के कारण ब्रह्मांड में क्या हो गया, तेज़ी से फैलाव हो गया, यानी कि तेज़ी से फैल गया। इस फैलने के कारण से बिग बैग घटना को कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, यानी कि कई वर्ष बाद, फिर करोड़ों वर्ष क्या कहा गया, करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। जब आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा तो आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, हम आप जानते हैं कि जो आकाशगंगा है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम तथा गैसों तथा धूल कणों के विशाल बादल इकट्ठा होने लगे, यानी कि जो हमारा ऊपरी भाग दिखाई देता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती हैं और धूल कण होते हैं, इसके कारण से विशाल बादल इकट्ठा हो गया। इसके
इकट्ठा होने से क्या हो गया, आकाश गंगा के बनाने वाले, आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारका कहते हैं। इसमें क्या कहा गया, गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु कितनी भी ऊंचाई पर हम फेंकते हैं वो नीचे चली आती है, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण हुआ, जो चीज़ें आकर्षित होने वाली थी वो पिंड के रूप में बदल गई, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हो गया। फिर कहते हैं कि आकाश गंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, यही गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। वो इतना विशाल है कि वो अपनी सारी चीज़ें क्या करता है, गुरुत्व केंद्र का निर्माण कर लेता है। इसके कारण आकाश गंगा का स्थायित्व बना रहता है। जो आकाश गंगा होता है इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्व केंद्र के कारण से क्या होता है, अस्थायित्व बना होता है। और हमारा सूर्य अपनी आकाश गंगा में लगभग, यानी कि जो आकाश गंगा हम देखते हैं उसमें लगभग लगभग 100 अरब तारों में से एक है, यानी कि 100 अरब तारों में से वो क्या है, एक है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाश गंगा की बाहरी भुजा, मंदाकिनी आकाश गंगा की बाहरी भुजा हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जो 5 अरब वर्ष कल्पना किया गया कि 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी गंगा जो है इसके बाहरी भुजा से हमारे तारों यानी कि सूर्य का जन्म हुआ। और कृष्ण विवर, जिसे कृष्ण विवर कहा जाता है, इसे ब्लैक होल कहा जाता है। अभी हमने आप देखा कि कृष्ण विवर का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा गुरुत्व केंद्र है जहाँ पर ये पाया जाता है और इसको क्या करता है, अस्थायित्व बनाए रखता है, इसी को कृष्ण विवर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कि यम। हम आप पहले पढ़ते थे तो पहले 9 ग्रह पढ़ते थे, कितने ग्रह पढ़ते थे, 9 ग्रह पढ़ते थे। उसके बाद हमारे सौर मंडल में अगस्त यानी कि 2006 में यम को क्या किया गया, 9 ग्रहों में से यम को कम कर दिया गया, क्योंकि बताया गया जो यम होता है, प्लेटो होता है, ये क्या करता है, 9 ग्रह था ये, नेपच्यून की कक्षा को क्या करता है, अतिक्रमण करता है। इस अतिक्रमण को देख करके खगोलविद ने जो क्या किया कि 24 अगस्त क्या किया, 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, यानी कि एक संघ होता है जिसमें कई वैज्ञानिक मिल करके उस संघ को निर्माण करते हैं और उस संघ को क्या करते हैं, संचालित किया जाता है। और उसमें इस बात को रखा गया कि जो यम है ये कोई ग्रह नहीं है, इस ग्रह को कम करके 8 ग्रह हो गए हैं। और 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से क्या किया, हटा दिया। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।